हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या कहती है, उनकी मतलब करंट फीलिंग्स क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, सारी बातें प्यार के रिगार्डिंग, उनके मतलब कोई परेशानियां है उसके रिगार्डिंग, सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूँ, अगर इस चैनल पर आप न्यू हो तो इस चैनल के ऊपर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी एंड टैरोट कार्ड रीडिंग रिगार्डिंग वीडियोज़ लाती रहती हूँ। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं इस चैनल के ऊपर ढेर सारा कंटेंट ऑन डेली बेसिस पोस्ट करती रहती हूँ जो काफी सारे लोगों को पसंद आता है। आई एम सो ग्लैड कि मतलब हम सब लोग इतने प्यार से मिलते हैं इस चैनल के माध्यम से, एंड सब लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं डेली, इतने सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड काइंडनेस एंड ब्लेसिंग। आई ब्लेस यू ऑल। ठीक है, तो चलिए अभी जानते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या कहती है। उससे पहले मतलब इस रीडिंग को शुरू करने से पहले ना, आप सब लोग आपके पार्टनर की फोटो देख लीजिएगा, उन्हें मेमोराइज कर लीजिएगा, उनका मतलब इमेजिन कीजिए कि मतलब आप उनकी करंट एनर्जी जान रहे हो। आप उनके नाम का चैंटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इस रीडिंग को शुरू करती हूँ। मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है द वील। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। बहुत प्यारा 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 कार्ड है आपके पार्टनर को, मतलब एवरीथिंग इज सपोर्टिंग, मतलब उनकी जो करंट एनर्जी है ना, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। ओ माय गॉड, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि हमारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ अर्थ। ठीक है, नाइस कार्ड्स। आपकी पार्टनर एक मतलब बहुत ज़्यादा मस्त मौला इंसान है। ठीक है, उनका नेचर बहुत जॉयफुल है। ठीक है, और मतलब अभी मतलब लक उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो उनका मतलब जो मूड है ना, बहुत खुश मिजाज है अभी के लिए। वो मतलब दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर लाइफ, जिंदगी को बैलेंस के साथ आगे कैसे बढ़ना है ये वो आगे देखते हैं। ठीक है, वो एक 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 ऐसे मतलब डिसेंट से प्यारे से इंसान है जो मतलब ज़िंदगी को बड़ी खुशनुमा तरीके से देखते हैं, यू नो, और उनकी करंट एनर्जी भी वही है, एकदम पॉजिटिव, एकदम ब्रिलियंट। ठीक है, तो उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं है, लक की कमी नहीं है। ठीक है, बस वो जो है ना, हमेशा खुद के लिए इंस्पिरेशन ढूंढते रहते हैं कि मतलब मैं मेरी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ, इस ज़िंदगी को बैलेंस कैसे करूँ मेरे लव के साथ, मेरे प्यार के साथ। एंड दूसरा आया है एस ऑफ वाटर। उनके जो इमोशंस है ना, अभी मतलब पानी की तरह एकदम ऐसे बह रहे हैं रिलेशनशिप में। वो मतलब क्या बताए, एक ऑनेस्ट पर्सन है। आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि ऐसा पर्सन आपके जीवन में आया है जो आपको इतना अच्छी तरीके से जानता है, समझता है, प्यार करता है। वो आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, और मतलब आप मान के चलिए कि आपके जो पार्टनर है ना, वो एक ऐसे इंसान है जिनके पास बहुत सारी चीज़ें, मतलब प्रॉस्पेरिटी है, लव है, उनके मन में प्योर नेचुरल इमोशंस है, लाइक एन किड, छोटे बच्चों के मन में जो इनोसेंस रहता है ना, वो आपके पार्टनर के मन में है, और उनको उनका नसीब लक सपोर्ट भी कर रहा है। इसकी वजह से उनकी करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। वो अकेले एकदम स्ट्रांग, मतलब तूफान भी आ जाए तो भी वो अकेले खड़े रहते हैं, इस तरह के वो इंसान हैं। तो सोचिए, अगर ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो आपकी ज़िंदगी में कितनी सारी स्टेबिलिटी लेके आएगा। तो दैट इज़ द मेजर गुड थिंग अबाउट योर पार्टनर। ऐसी ही पॉजिटिव एनर्जी उनके माइंड में अभी चल रही है। और हम देखते हैं आने वाले कुछ कार्ड्स में आपके पार्टनर अभी और क्या सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज़ अ ब्यूटीफुल एंड प्योर सोल। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि मतलब आपने सच में सही पर्सन को चुना है प्यार के लिए। ठीक है, अगर आप उनके प्यार को देख नहीं पा रहे हो तो प्लीज़ मतलब आंखों के सामने का चश्मा चेंज कर लीजिएगा, अलग दृष्टि से उनको देखिएगा, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस इमोशनल इंसान है जो रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। इतने जॉयफुल इंसान के साथ रहना मतलब नसीब की बात होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक मतलब ही दैट पर्सन इज़ अ वन मैन आर्मी।
मतलब मैन वुमन जो भी है, बट दैट पर्सन इज लाइक एन इंडिविजुअल आर्मी, जो चाहिए वो काम को खुद के बल पे दम खुद के बल पे हासिल करते हैं, खुद के बलबूते पे हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही तो उनकी बात है कि वो हर चीज़ को बैलेंस आउट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी उनके लाइफ में परेशानियां आ सकती है किसी चीज़ से, मतलब वो परेशान तो है, बट बिकॉज वो इतने स्ट्रांग और मेहनती इंसान है, उन परेशानियों को वो निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको हमेशा मतलब ये आदत है कि मतलब मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अच्छी होती है, ये सोचने की आदत है। इसकी वजह से भले ही उनके चीज़ लाइफ में निगेटिव एनर्जी आए, वो कभी ऐसे बोलते नहीं कि हाँ भाई निगेटिव एनर्जी आ गई या परेशानी हो गई। नेक्स्ट आया है नाइन ऑफ वॉन्ट्स, तो आपके पार्टनर का और एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँ, उनका मन में जहाँ पे वो पेन है ना, जहाँ पे मतलब लाइक हर इंसान ऊपर से खुश दिखता है, बट दिल के किसी ना किसी कोने में एक छोटा सा पेन का डब्बा रहता है, एक पेन का सेक्शन रहता है, जो उन्होंने ना मतलब बंद करके रखा है, वो किसी को वहाँ पे आने नहीं देना चाहते हैं। कोई भी पर्सन उनकी ज़िंदगी में आए, वो नहीं चाहते कि वो पर्सन उनकी ज़िंदगी के उस काले कोने में झाके देखे कि क्या है और क्या नहीं है। तो पॉजिटिव फीलिंग के साथ थोड़ी सी उदासी, थोड़ी सी मायूसी, मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी के जीवन में रहता ही है, उसे वो ये कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मतलब आपके पार्टनर जो है ना एक थोड़ी सी दुविधा मनस्थिति में है, उनका मतलब जो दुख है ना बार बार कुछ ऐसे कुचर कुचर के ऊपर आ रहा है, कुतर कुतर के ऊपर आ रहा है कि भाई मेरे जीवन में, मेरे मन में ये हो गया है, मेरे जीवन में ये हो गया है, उनका दुख थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, बट फिर से वो उसको दबा देते हैं और अपनी खुशनुमा ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। फिर से वो दर्द ऊपर आता है, फिर से वो उसको दबा देते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा बड़ी खूबी है आपके पार्टनर में। हम अभी देखते हैं एंजल से क्या गाइडेंस आता है, देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो कभी अगर आपको मौका मिले कि आपके पार्टनर की मतलब वो दर्द भरी नस पकड़ने का और उनको सहलाने का, समझाने का, बताने का कि आप उनके पास हो, तो कभी आप वो उसे ट्राई कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि वो ऐसे जॉयफुल इंसान है, वो इमिडिएटली अपने दुख दर्द को ढक देते हैं, तो किसी को जल्दी पता नहीं चलता कि उनके मन में अभी थोड़ा सा दुख है। बी असर्टिव, श्योर रहिए कि मतलब आपके पार्टनर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, मतलब दे आर लाइक विद यू, और आपको इस बात की भी हमी हमेशा रहनी चाहिए कि आपके पार्टनर का जो डिसीजन रहता है ना वो बहुत ज़्यादा सही रहता है, मतलब रिलेशनशिप्स को लेके, ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके, किसी चीज़ को इनिशिएट करने को लेके, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, तो आपके पार्टनर जो है That person is strong person, you know, कि मतलब वो कोई भी काम करते हैं तो फुल प्रूफ करते हैं। हम बोलते हैं ना कोई इंसान फुल प्रूफ काम करता है, ये पर्सन तो दैट इज द पर्सन। तो मतलब ऐसे पर्सन है कि उन्होंने काम कर दिया ना तो वो पत्थर की लकीर हो गई, होगा ही होगा। उनको बहुत श्योरिटी रहती है कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। तो अगर आप ऐसे पर्सन के साथ जुड़े हुए हो तो सोचिए आपको कितना मतलब पॉजिटिविटी ऐसे इंसान से मिल सकती है, या आप उनसे पॉजिटिविटी गेन कर सकते हो, डिस्पाइट कि उनके मन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब हर किसी का एक बॉक्स रहता है जिसमें काली परछाई रहती है उनके दुखों की, गमों की। डिस्पाइट दैट, मतलब उसके बावजूद भी वो इतने श्योर रहते हैं खुद के डिसीजंस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, इमोशंस को लेके, प्रॉस्पेरिटी को लेके, खुद के इंट्यूशंस को लेके, वो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर और क्रिएटिव इंसान है। तो मतलब उसमें उनको ना उम्मीदी कहीं पे दिखाई बिल्कुल नहीं देती है, वो श्योर है कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, मेरे जो रिलेशनशिप्स है मैं उनके साथ आगे बढ़ूंगा, मेरे मन में जो इमोशंस है मेरे सामने वाले पर्सन के लिए मैं बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो उनकी ये जो सिचुएशन है थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी, उनको भी पता है ये बात, क्योंकि
स्ट्रॉन्ग पर्सन वही होते हैं जो मतलब करंट सिचुएशन को मात करके आगे बढ़ते हैं. एंड ऑब्वियसली अगर आप उनके साथ हो तो अगर आप उनको अच्छे से साथ दो, गाइड करो, तो मतलब उनकी सिचुएशन और इम्प्रूव होने में मदद हो सकती है. एंड मतलब बिकॉज आप उनकी लाइफ में इसीलिए दाखिल हुए हो कि मतलब आप इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो. यू कैन हेल्प देम आगे बढ़ने के लिए. अगर आगे बढ़ने के लिए अगर लव लाइफ का मतलब लव का इम्पोर्टेंस क्या होता है ना लाइफ में, लव पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, बिकॉज वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं. सो यू आर रेडी कि मतलब आप ये सारी चीज़ें उनके साथ कर सकते हो. इसी वजह से गॉड ने आपको उनके लाइफ में भेजा है. आपके पार्टनर की करंट एनर्जी तो यही है कि मतलब ही इज़ अ वेरी स्ट्रांग पर्सन हु उनको मतलब बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत की वजह से उनको बहुत ज़्यादा व्हील कार्ड आया है, विच इज़ अ लक प्रोग्रेस एंड चेंज. उनकी मेहनत का नतीजा है कि वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं. दैट पर्सन इज़ अ वेरी स्ट्रांग पर्सन. तो मतलब श्योर रही है कि उनको पता है कि उनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी, आसान और खुशनुमा होगी. ऑब्वियसली थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो गए, बट इट डजेंट मैटर. उसी के साथ जिंदगी जीने का मजा है. ठीक है, तो आई होप आज की ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग आपको पसंद आई होगी. अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है. आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो. प्लीज़ कमेंट करके मुझे पक्का बताइए ये वीडियो कैसी लगी. और मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग. बाय गाइज़.